हेलो गाइस, दिस इज़ उमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक हेयर मास्क की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही इजी है बनाना। और मैं इस हेयर मास्क को खुद यूज़ करती हूँ। महीने में 2-3 टाइम तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है। उसमें जो जो इन्ग्रीडियंट लगते हैं वो सारे के सारे आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। लेट्स चेक इट आउट। आपको चाहिए 2 अंडे, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून और आप टीस्पून भी ले सकते हैं 2 टीस्पून नींबू का रस, मैंने आधा नींबू लिया है यहाँ पे, और 1 टेबलस्पून हनी। चलिए इन सबको मिक्स करते हैं। मैंने 2 अंडे और दही को मिक्स कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून हनी। मैं इसको फेंटने के लिए ये वाला फोक यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस मिक्सचर पे डाल रही हूँ 2 टीस्पून नींबू का रस। इसको अच्छा से मिक्स कर लीजिए। ये दही का कोई लंप नहीं होना चाहिए, अच्छा से मिक्स कीजिए इसको। का पैक रेडी हो गया है। पैक को पहले बालों के फ्रंट स्कैल्प में लगाइए। धीरे धीरे इसको अप्लाई कीजिएगा। बालों को दोनों तरफ से डिवाइड कर लीजिए, फिर इस पैक को अप्लाई कीजिए। बालों के अगर थिकनेस ज्यादा हो तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके अप्लाई कीजिए। मैंने इस पैक में कार्ड, हनी, लेमन 1 यूज़ किया है। कार्ड में भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहते हैं जो कि बालों को मॉइस्चराइज रखता है। कार्ड डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कार्ड इची कैल्प्स और इरिटेशन में भी बहुत लाभदायक है। हनी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बालों की हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए यूज़फुल हैं, और हनी हेयर फॉलिकल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। लेमन डैंड्रफ को हटाता है बालों से, और ये ऑयली स्कैल्प से एक्सेस सीबम सिक्रेशन को भी रोकते हैं। एग में कई मात्रा में प्रोटीन है जो बालों की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। एक बालों में डैंड्रफ को कम करने में लाभदायक है। विटामिन ई पाए जाते हैं अंडों में
जो ख़तरनाक यूवी रेज से बालों को बचाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी मिलते हैं एग में, जो बालों में शाइन लाते हैं। एग में लेसिथिन पाए जाते हैं, जो फ्रिजी हेयर को मैनेजेबल बनाते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। और अंडे में बायोटिन भी अवेलेबल है, जो कि हेयर फॉलिकल्स और रूट को स्टिमुलेट करके बेटर हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। मैंने पैक को पूरा लगा लिया है। अब अपने बालों को फोल्ड करके 1 घंटा तक रखना है, फिर माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लीजिए। मैंने माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लिया है और इसके बहुत ही अच्छे शाइन भी आया है, आप देख सकते हैं। इस पैक से बालों की वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। मैंने इसको नॉर्मल टॉवल ड्राई किया है, कोई ब्लो ड्राई कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अपने बालों पे कभी ब्लो ड्रायर हीट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, नॉर्मल टॉवल ड्राई किया है मैंने इसे। तो कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गॉड ब्लेस यू, टाटा।